स्वागत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी देश में 300 से ज्यादा सीट जीत रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 73 से ज्यादा सीट जीतेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने। केशव प्रसाद मौर्य जी इनसे बात करेंगे, जिस तरह छठे चरण का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है तो कितनी उम्मीदें और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली पार्टी देश में 300 से ज्यादा जीतेगी और उत्तर प्रदेश में हम 73 से ज्यादा 2019 में जीत रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 में अगर मैं कहूँ आंधी थी तो 2019 में सुनामी। जिस तरह प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उनके आने के बाद जो इलाहाबाद सीट है और फूलपुर सीट है, कितना फर्क पड़ने वाला है पूरे पूर्वांचल की बात करें चाहे क्या की बात करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब यहाँ पर आए थे तब यहाँ अगल बगल कोई ऐसी सीट नहीं थी जिसमें कमल नहीं खिला। अब 2019 में आए हैं तो कमल मैं समझता हूँ कि और बड़े अंतर से खिले। जिस तरह आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे आप बता रहे हैं लहर है, तो किससे अपना मुकाबला मार रहे हैं पूरे प्रदेश में? देखिए मैं अहंकार तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे जिसको रहना है वो लोग तय करें, हम नंबर एक। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह कह रहे हैं इस बार जो मोदी सरकार है काफी बहुमत से चुनाव तो जीतेगी, साथ में पिछली बार का जो आंकड़ा उसको पार करेगी। सारा समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी।